अगर आपको खांसी रहती है, चाहे आपकी खांसी बहुत ज्यादा पुरानी है या फिर बदलते मौसम के कारण, वीक इम्यूनिटी या फिर इन्फेक्शन के कारण अगर आपको खांसी जुकाम जैसी चीज़ें हो रही हैं, तो आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल पर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव घरेलू नुस्खे को अपनाकर हम हमारी खांसी को ठीक कर सकते हैं, चाहे वो खांसी बहुत पुरानी हो या फिर नई खांसी हो जो मौसम बदलने के कारण हुई हो, चाहे सूखी खांसी हो या फिर खांसी के साथ साथ कफ आ रहा हो, बलगम आ रहा हो, तो वहाँ पर भी ये नुस्खा बहुत अच्छा काम करता है। इस नुस्खे को बड़े भी ले सकते हैं और छोटे भी ले सकते हैं, यानी कि बच्चों को भी दे सकते हैं। वो सभी बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से ज़्यादा है, ये नुस्खा बनाकर आप उन्हें भी दे सकते हैं और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के अंदर, 3 से 4 दिनों के अंदर ही खांसी के अंदर काफ़ी अच्छा इफेक्ट और इसके बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे। इस नुस्खे को बनाने के लिए हमें चाहिए हमारे किचन में मौजूद 5 इंग्रेडिएंट। वो कौन कौन से हैं उन्हीं को समझते हैं। तो जो पहली चीज़ हमें किचन से चाहिए वो है काली मिर्च, यानी कि ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो ना सिर्फ सूखी खांसी के अंदर काम करती हैं, बल्कि जहाँ पर कफ बन रहा हो, बलगम बन रहा हो, छाती के अंदर सिकुड़न हो गई हो, अकड़न हो गई हो, जकड़न हो गई हो, और हमारी जो नाक की नलियाँ हैं, जो ब्रोंकाई हैं, वो ब्लॉक हो गई हो, कफ बहुत ज़्यादा आता हो और सांस लेने के अंदर भी परेशानी होती हो, तो ब्लैक पेपर जो है वो आपकी छाती के अंदर मौजूद जो अकड़न है उसको रिलीज़ करने में, इसके साथ साथ जो कंजेशन है उसको हटाने में और कफ को पिघलाकर बाहर निकालने के अंदर काफ़ी अच्छा रोल दिखाती है। जो दूसरी चीज़ हमें चाहिएगी वो है काला नमक। काला नमक आपकी किचन के अंदर मौजूद है और ये सूखी खांसी के लिए और उसके साथ साथ कफ वाली खांसी दोनों के अंदर ही काम करता है। ये आपकी लंग्स को रिलैक्स करता है, नाक की नलियों को खोलता है, जो वहाँ पे सिकुड़न है उसको रिलीज़ करता है, और कफ के अलावा जो सूखी खांसी है वहाँ पे इसका काफ़ी अच्छा रोल देखने को मिलता है। जो अगली चीज़ है वो है अजवाइन। अजवाइन छाती के अंदर होने वाली अकड़न को रिलीज़ करने के अंदर काफ़ी अच्छा रोल दिखाती है। उसके अलावा हमें चाहिए आपकी किचन से इलायची, छोटी इलायची, यानी कि हरी इलायची जो है, जब आप उसको लेंगे तो हमें उसके बीज चाहिए। छोटी इलायची के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपकी नेज़ल कैविटी को एक तरीके से साफ़ करने में हेल्प करती है, कंजेशंस को हटाने में हेल्प करती है, और इसके अलावा जो कफ बन रहा है या फिर सूखी खांसी की वजह से जो परेशानी आपको हो रही है उसको रिलीज़ करने में इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। जो अगली चीज़ है वो है अदरक। अदरक की प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ से भरपूर है। अदरक के अंदर बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो ना सिर्फ आपके लंग्स को ठीक करता है, आपकी खांसी को ठीक करता है, बलगम को रिलीज़ करता है, सूखी खांसी के अंदर आपको राहत पहुंचाता है, बल्कि लंग्स में होने वाले किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से भी आपको बचाता है, लंग्स की हेल्थ को बढ़ाता है, लंग्स को मजबूती देता है, और आपको अगर आपकी लंग्स ठीक हैं तो आप समझिए कि आपकी पूरी ही लाइफ अच्छे से चलेगी, आपका पूरा शरीर अच्छे से चलेगा। हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी का सोर्स खाने के अलावा है, जहाँ से हमें 24 घंटे एनर्जी आ रही है, वो है हमारी सांसें, हमारी प्राण शक्ति। और जब सांस ही नहीं आएगी, जब लंग्स ही ब्लॉक हो जाएंगे, तो प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन बॉडी को नहीं मिल पाएगी। जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो देखने को मिलता है कि इम्यूनिटी वीक होती है। काफ़ी रिसर्च ये बताती हैं कि सही तरीके से अगर ब्रीदिंग की जाए, जैसे कि प्राणायाम हो गया, योगा हो गया, इनके लिए इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब आप प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचती है, और जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन आपकी बॉडी में पहुंचेगी, उतनी ही बीमारियां आपसे दूर रहेंगी, उतनी ही इम्यूनिटी आपकी बेटर होगी और आप एक हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ जी पाएंगे। तो आपकी लंग्स का ठीक होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए जब आप इन 5 चीज़ों को लेंगे तो इसका कैसे इस्तेमाल करना है हम आगे समझते हैं, लेकिन जैसे ही आप इन 5 चीज़ों को लेंगे, ये आपकी लंग्स की जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज़ करेगा, कंजेशन को दूर करेगा, अकड़न जकड़न जो आपकी लंग्स में है उसको हटाएगा, नाक की नलियाँ जो ब्लॉक हो गई हैं उनको साफ़ करेगा, और बलगम को पिघलाकर शरीर से बाहर निकालेगा, जिससे आपकी सांस ठीक आएगी और आपकी कितनी ही पुरानी खांसी क्यों ना हो, ये उसको ठीक करने में आपकी हेल्प करेगा। अब बात करें इस होम रेमेडी को बनाना कैसे है, तो आपको 1/4 चम्मच काली मिर्च लेनी है और 1 चम्मच आपको लेना है काला नमक। इसको मिलाना है आपको 1 चम्मच अजवाइन के अंदर और 5 चम्मच आपको अदरक का पेस्ट लेना है, यानी कि अदरक को घिस लेना है और उस अदरक को आपको यूज़ करना है, और 5 इलायची लेकर उनके अंदर के जो बीज हैं उनको अलग निकाल लेना है और इस सारी चीज़ों को आपस में मिला लेना है। इसके अलावा आपको ज़रूरत पड़ेगी 5 चम्मच गुड़ की। 5 चम्मच गुड़ को
लगभग लगभग 1.5 से 2 ग्लास पानी के अंदर आपको नॉन स्टिक तवे के अंदर थोड़ी देर तक घुमाना है। जो आँच है वो स्लो रहे, यानी कि सिम गैस के ऊपर आपको उसको यूज़ करना है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जैसे ही गुड़ के अंदर आप पानी मिलाएंगे तो वहाँ पर एक पेस्ट बन जाएगा। जैसे ही वो पेस्ट बनता है उसको उतार कर हल्का सा ठंडा कर लें, और जो ऊपर सारी चीज़ें हमने मेंशन करी, यानी कि अजवाइन हो गया, आपका काला नमक हो गया, काली मिर्च हो गई, अदरक हो गया, इन सभी चीज़ों को आपको उस पेस्ट के अंदर मिला देना है। अच्छे से मिलाने के बाद इस पेस्ट को आपको एक एयर टाइट ग्लास कंटेनर के अंदर स्टोर करना है। और आप ध्यान रखें कि ये सारा का सारा जो पेस्ट है वो मॉइस्चर से दूर रहे, हीट से दूर रहे, इसको किसी भी प्रकार के ओपन एनवायरनमेंट में ना रखें, अदरवाइज इसकी प्रॉपर्टीज़ और जो इसके बेनिफिट हैं वो आपको नहीं मिल पाएंगे। ये पेस्ट बन जाने के बाद आपको क्या करना है कि रोज़ सुबह और रात को सोने से पहले आपको 1 ग्लास पानी लेना है, और उस 1 ग्लास पानी के अंदर आपको आधा चम्मच ये पेस्ट मिलाकर सुबह और शाम रात को सोने से पहले आप ले सकते हैं। आप देखेंगे कि कितनी ही पुराने से पुरानी खांसी क्यों ना हो, चाहे कफ आता हो या फिर सूखी खांसी हो, तो वहाँ पर इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बट वो लोग जो तंबाकू का सेवन करते हैं या फिर सिगरेट का सेवन करते हैं, वो जब इस नुस्खे को अपनाएं तो कम से कम तंबाकू और सिगरेट का सेवन ना करें, क्योंकि ये जो एक रेमेडी है ये आपकी लंग्स को खोलने के लिए काम करेगी। तो आप सिगरेट से बचें, तंबाकू से बचें, और आप देखेंगे कि 3 से 4 दिन के अंदर ही आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर खांसी बहुत ज़्यादा पुरानी है, 1-2 महीना हो चुका है, तो आप इस रेमेडी को 14 दिन तक भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर बदलते मौसम की वजह से खांसी रह रही है या फिर और कोई ऐसी कंडीशन है, जैसे पॉल्यूशन है, आजकल एयर क्वालिटी इंडेक्स किसी भी सिटी में आप रह रहे हैं तो नीचे ही जाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा गिरता जा रहा है एयर क्वालिटी का लेवल, तो वहाँ पे इस वजह से भी खांसी हो सकती है। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर तो आप इस नुस्खे को अपना सकते हैं, लेकिन कोई मेडिकल कंडीशन है जैसे कि टीबी हो गया, तो वहाँ पे आप अपना प्रॉपर डॉट्स का ट्रीटमेंट भी लें, ये आपको हेल्प करेगा पूरी तरीके से रिकवर होने के लिए। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, एंड आप इस नॉलेज को यूज़ करके खांसी से निजात पा सकते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इस रेमेडी को यूज़ करके आपको क्या क्या बेनिफिट हुए एंड किस तरीके से आपकी लाइफ में एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। मिलते हैं इसी प्रकार की नई वीडियो में। टिल देन आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सो दैट कि इसी तरीके की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आप मिस ना करें। थैंक यू सो मच। बी हैप्पी एंड बी हेल्दी।